Prime Minister Narendra Modi today laid the foundation stone for the redevelopment of 508 railway stations at a cost of over 24470 crore rupees under the Amrit Bharat Station Scheme across the country through video conference. Speaking at the event PM Modi said that the Amrit stations will offer a glimpse of India's culture and local heritage like for instance Jaipur railway stations will have glimpses of Hawa Mahal and Amer Fort from Rajasthan. Jammu Tawi Railway Station in Jammu and Kashmir will be inspired by the famous Raghunath Mandir, and Dimapur Station of Nagaland will showcase the local architecture of 16 different tribes from the region. Every railway station will be a symbol of the modern aspirations of the country along with its ancient heritage, he added. PM Modi also mentioned strengthening the Bharat God of Yatra trains, which connect places of historical relevance and pilgrimages. In this year's budget, railways received more than rupees two and a half lakh crore. फाइव फोल इंक्रीज एज कंपेयर टू ट्वेंटी फोर्टीन देशी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी वो यादगार बन जाती है आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है इससे पूरे इलाके के लोगों को कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी साथियों आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया है ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे हमें गर्व से भर देंगे इन स्टेशन्स में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहों की झलक होगी जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गौरव यात्रा ट्रेन भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चले चल रही है शायद आपके ध्यान में आया होगा उसको भी मजबूती दी जा रही है साथियों किसी भी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशियल को पहचाने भारतीय रेल में तो ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है इसी सोच के साथ बीते नौ वर्षों में हमने रेलवे में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है इस साल के रेलवे को ढाई लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है